हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी जो होती है, पीठ में जो रीढ़ की हड्डी होती है, यदि उसके दाएँ हिस्से में ऊपर की तरफ तिल होता है तो यह जो तिल है इस तरह के लोगों के जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है और इस तिल के होने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यह बताया गया है कि ये जो तिल होते हैं आपके शरीर पर अलग अलग स्थान पर होने से अलग अलग तरह के प्रभाव डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि जिन लोगों के रीढ़ की हड्डी के दाएँ तरफ में हिस्से के ऊपर की तरफ तिल होता है तो फिर इस तिल का क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह माना गया है कि इस तरह का जो तिल होता है इस तरह के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। दोस्तों, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं वे व्यक्ति धनवान होते हैं। इन तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनके पास हमेशा आय के साधन बने रहते हैं। इनका जो पैसा है हमेशा इनके पास स्थायी रूप से रहता है। दोस्तों, ये जो पैसा है इनका खुद का कमाया भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि यह इनका पैतृक धन हो। दोस्तों, साथ ही इसके अलावा इन लोगों के साथ एक और अच्छी बात यह होती है कि इस तरह के जो लोग होते हैं किसी भी मुसीबत में रहें, चाहे कितनी भी परेशानियों में रहें, इन्हें किसी न किसी तरह से मदद मिल जाती है जो कि इन लोगों को उस परेशानी से निकलने में मदद करती है। और दोस्तों, इनके ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, इन्हें कोई ना कोई मदद जरूर दे देता है, अब वह मदद चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी उन लोगों के बारे में जिन लोगों की पीठ की रीढ़ के दाएं हिस्से में ऊपर की तरफ तिल होता है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।